असलम ये यूट्यूब फैमिली कैसे हैं? आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से हैं खुश हैं और मज़े में हैं अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बिल्कुल ही हट के डिफरेंट स्टाइल में दाल चावल की रेसिपी और रेसिपी के साथ साथ हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे आ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सलमा यासिन और सितारा यासिन के आ, केस से रिलेटेड और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग एग्री करते हैं मेरी बात के साथ या नहीं और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाइक करिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने ले लिया है ऑयल और ऑयल के अंदर मैंने डाल दिए हैं प्याज और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट और अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो आ, बात करें सितारा यासीन और शलमा यासीन के तो एकदम से जो है बहुत हाई आ, दे दी गई थी इस टॉपिक को आ, के आ, जो भी सिनेरियो था वो आप लोग बेहतर जानते हैं क्योंकि काफ़ी लोग उनको फॉलो करते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन चैनल्स भी देखते हैं आप लोग तो रिएक्शन चैनल्स में जो हैं बेबो अली और जो दूसरी हैं एक उनका नाम सॉरी मुझे भूल गए इन लोगों ने आ, जो है एक अलग ही किस्म के प्रूफ्स देना जी ये प्रूफ आ रहा है वो प्रूफ आ रहा है कोई प्रूफ किसी के पास भी नहीं है सब के बने बनाए प्रूफ हैं कोई अगर लॉजिकली देखा जाए तो आ, कोई भी ऐसा प्रूफ अभी तक नहीं आया जिसमें सलमा राइट हो सितारा गलत हो और इसमें कोई प्रूफ आ ही नहीं सकता सिंपल सी बात है ठीक है कार्ड आप होटल का कहीं से भी ले सकते हो आप लोग जो है चार्ट्स ख़ुद से क्रिएट कर सकते हैं तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल छोड़ ही दे के किसी के पास कोई भी प्रूफ होगा ऊपर से जी फिर बात आती है कि फैमिली मेम्बर्स इस तरह कर रहे हैं नैना इस तरह कर रही है ये करे वो करिए तो सब जो हैं वो सिंपली व्यूज़ गेन करने के लिए ड्रामे कर रहे हैं और जो भी है आ, सितारा यासिन का बेस्ट पार्ट ये था कि उसने इस चीज़ को हाइप दी ही नहीं है उसने सिंपल स्टार्ट में जो बात की बस वही की उसके बाद उसने टोटल इस बात को छोड़ दिया अपना और अपने बच्चों का आ, बच्चों की तरफ जो है वो तवज्जो हो गई थी वो मुतवजह हो गई थी और उन्होंने अपना नॉर्मल चैनल चलाना स्टार्ट कर दिया सलमा यासिन बात करके एकदम से ऐसे गायब हुई हैं यूट्यूब से जैसे पता नहीं क्या हो गया और जुल्म हो गया उनके ऊपर ही जैसे लेकिन अगर उन्होंने सुनी सुनाई बातों पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बेआवाज़ है तो इस तरह की कोई भी चीज़ कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए थी एक औरत जिसका ऑलरेडी घर जो है वो डिवाइड हो चुका हो वो कभी भी ऐसी हरकत अपनी सगी बहन के साथ नहीं कर सकती ठीक है सेकेंडली मैं यही कहूँगी कि सितारा यासीन ने अच्छा किया है ये नहीं किया और सेकेंडली सलमा को वाई पे इस तरह का कोई टॉपिक भी नहीं लेके आना चाहिए था अगर आपको व्यूज़ चाहिए थे आप अपनी मेहनत से करते करिए ठीक है आपको ये ड्रामा क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और इस्लाम पे और स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर इस्लाम के ऊपर बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है इस चीज़ से और जो है कितने डिफरेंट ममालिकन में अब ये सारी बातें हो रही हैं तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल जो है आ, इसके खिलाफ हूँ कि आप घरेलू मसाइल को वाइटी के ऊपर लेके आए खैर यहाँ पे चलते हैं आप रेसिपी की तरफ तो प्याज मैंने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिए थे लहसुन का पेस्ट डाल दिया था उसके बाद मैंने इसके अंदर डाले थे मिसाले जिसमें थी लाल मिर्च नमक आ, काली मिर्च लौंग और बिरयानी का मिसाला था और डिफरेंट खड़े मसाले थे उसके बाद मैंने वो डाल दिए थे और हल्का सा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए नम दिया था सिर्फ चंद सेकंड के लिए और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे टमाटर और हरी मिर्च और अच्छे से मसाले को भून लिया था उसके बाद जी मैंने इसके अंदर ऐड किया है पानी क्योंकि मैंने लिए थे जी एक कप चावल आधा कप दाल तो मैंने इसके अंदर डाले थे अराउंड फो थ्री पॉइंट फाइव कप पानी डाला था ताकि अच्छे तरीके से गल जाए और फिर मैंने इसके अंदर दाल चावल जो है दाल चावल को मैंने अराउंड वन आवर भिगो के रखा था और उसके बाद मैंने इसको डाल दिया पानी के अंदर जो बॉयल हो चुका था और उसके बाद भी मैंने थोड़ी देर ढक्कन दे के ही पकाया था ताकि चावल और दाल अच्छे तरीके से गल जाएँ और फिर जी आ, मसला हो गया था थोड़ा फ़ोन में तो मैं क्लिप मेरा वहीं पे रुक गया था तो दम दे दिया था खैर और यहाँ पे जी अब दम हटाएंगे और मज़ेदार से दाल चावल तैयार हैं अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाइक करिएगा वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा नेक्स्ट रेसिपी और नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह अल्लाफ